संन्यास जीवन की स्वर्ण जयंती और श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किए जाने पर परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरिजी महाराज का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम पूज्य संतों की पावन उपस्थित में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से महाराज विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की गरिमामयी मौजूदगी रही। तो ही कार्यक्रम में मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक योगेश सागर, अमित साटम समेत बीजेपी के तमाम नेतागण, नगर सेवक मौजूद रहे। तो इस संतों की बात करें तो अयोध्या से मुंबई आए परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज, स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज समेत आदि संतों का सानिध्य लोगों को प्राप्त हुआ। तो ही कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के यूथ आइकॉन नेता आचार्य पवन त्रिपाठी जी और समाज सेवक प्रमोद मिश्रा जैसे लोगों के सफल आयोजन में इनका अहम योगदान रहा। आइए देखते हैं खबर इंडिया की ये खास कवरेज। अरे भाई, ये तो परम हर्षोल्लास का विषय है। और महाराज जी तुम्हारे बड़े परम मित्रों में से रहे हैं, कम से कम 45 साल तो हम लोगों को आपस में मिल रहे हैं और सारे कार्यक्रमों को हम लोग साथ में रहे हैं। दूसरी बात की ये जो सम्मान हुआ है ये अद्भुत है और ये उनकी त्याग तपस्या का फल है जो होना चाहिए। त्याग न अमृतम अश्नुते, त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और ये जो है हमारे परम ही स्नेही और बड़े मधुर, बड़े सरल इस तरह से उनका स्वभाव रहा है और साधु समाज में उनका एक स्थान है, जिन्होंने इस परंपरा को परंपरा का निर्वहन किया उन्होंने और सदैव साधुवाद के पात्र हैं, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए, यहाँ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आदरणीय श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज के संन्यास का आज 50 वर्ष पूर्ण हुआ और उनको वैष्णो देवी में ट्रस्टी भी बनाया गया, इसलिए उनके अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें देश विदेश से प्रतिष्ठित संत आए थे। उसमें मुख्य अतिथि आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी थे। जब भी इस देश में किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है तो हमारे यहाँ मार्गदर्शन करने का कार्य हमारे हमेशा संत करते रहे हैं। तो आज भी जिस प्रकार से महाराष्ट्र की परिस्थिति बनी हुई है उसमें देवेंद्र फडणवीस जी फिर से इस प्रदेश का नेतृत्व करें, ऐसा सभी संतों ने मिल करके उनको आशीर्वाद प्रदान किया है। ऐसा है कि जब इस देश में समानता की बात आती है, सब हम लोग एक सब समान हैं, तो कहीं ना कहीं वो विचार करना चाहिए दोनों पक्ष को, ताकि सामान्य लोग उनको कोई परेशानी न हो। 6:15 बजे अगर कोई लाउड स्पीकर बजता है, जो लोग देर से आते हैं, देर से उठते हैं, उनको भी तो डिस्टर्ब होता ही होगा, तो उनको भी उनका सम्मान करना चाहिए। और दो तरफ से इधर भी लाउड स्पीकर बजे, उधर भी बजे, तो मुझे लगता है कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, तो उसको युद्ध विराम होना चाहिए, ये मेरा मानना है। गुरुदेव जी, आज एक दूसरा बहुत बड़ा सुनहरा मौका है आपके पास कि 50 वर्ष पूरे हुए और वैष्णो देवी मंदिर का भी ट्रस्टी बनाया जी, जी जी जितने महामंडलेश्वर जी आए, स्वामी शंकरानंद जी महाराज जी, जी, जी। माधवाचार्य जी महाराज जी, एक अपने आप को गौरवान्वित मंच करता है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये मेरा सम्मान होता, मुझे सम्मान मिलता तो शायद मुझे लगता है कि मैं गौरवान्वित हूँ। इस सम्मान इस संस्था का है, परंपरा का है, ये मर्यादा का है, ये हमारे भगवान शंकराचार्य ने जो वस्त्र दिए हैं उसका सम्मान है। मैं तो केवल प्रतीक हूँ, मेरा मुझे उसमें मैं अपना मान ही नहीं, अगर मुझे आप मैं मानता कि मेरा है तो शायद अहंकार होता, लेकिन वो मेरा है ही नहीं तो अहंकार कैसे होगा। मुंबई के भक्त वैष्णो देवी की ओर आपको ट्रस्टी बनाए जाने की वजह से बहुत उत्साहित है, तो उनको क्या जो वैष्णो देवी जाना चाहता है, वैष्णो देवी जो जाना चाहेंगे उनकी यहाँ से कैसे जाना चाहते हैं, अगर कोई ग्रुप बन के जाना चाहता है या कैसे जाना चाहता है, वहाँ सबकी व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ से मुझे आश्वासन मिला। महाराज जी, एक अपनी आशा ने मिला कि जिस तरीके से रामनवमी के दिन जो है, जिस तरीके से मुस्लिम इलाके से जो त्यौहार मनाया जा रहा है, हिंदू त्यौहार, उसको पत्थरबाजी की गई है, इस पर अब जो भी कई राज्यों में एक्शन भी लिया गया है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मैंने पहले भी कहा कि एक दूसरे धर्मों का एक दूसरे के लोगों ने सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी मुसलमान उस प्रवृत्ति के हैं और हिंदू तो है ही नहीं, कभी भी किसी मुस्लिम जो शोभा यात्रा होती है
उनका जुलूस होता है, उस पर कभी हमारे तरफ से सम्मान होता है उनका, कभी हम तिरस्कार या उनका हम लोग उनको पत्थरबाजी नहीं करते हैं। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से जो देखने में आ रहा है वो, जिसको हम कहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब, उस पर वो कहीं ठेस पहुंचती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस राज्य में हुआ है उसको मैं कहता हूं कि उस राज्य के जो भी मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनको बहुत कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। सर, सो एक बात है कि बच्चों में जो है संस्कार लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के छोटे बच्चे जो काफ़ी बड़े हैं वेस्टर्न कल्चर में डाइवर्ट होते जा रहे हैं। उनको माँ बाप का बड़ा दायित्व है, माँ बाप ने अपने माँ बापों से जो सुना है वो बच्चों को कहना आवश्यक, बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस समय वर्तमान में हम एक और हमारे दो, हम दो और हमारे दो हो रहा है, उस कारण से भी बहुत लाड़ प्यार करते हैं, बचपन में उनको जो चाहिए वो खिलाते हैं, तो उनको हम बोल नहीं पाते हैं। तो अपने यहाँ पर बचपन से ही उनको सिखाने की आवश्यकता है, उनके लिए हानिकारक है ये वस्तु आगे चल करके, तो वो उनको बताने की आवश्यकता है। तो माँ बाप को मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा कि आप अपने बच्चों को जो संस्कार है इस देश के उसको देंगे तो बच्चे आपकी आजीवन सेवा करेंगे, ये मेरा वचन है। सर, आश्रम और जो राजनीतिक पार्टी होती है इसका जुड़ने का मतलब ये होता है कि आश्रम के जितने जो अनुयायी है जो सीखने आते हैं उसका वोट आप किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा देने के लिए देते हैं? ये कहना आपका गलत है। भगवान राम के पिता दशरथ जी भी वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ जाते थे और वहाँ जाकर के परामर्श करते थे। अगर आप भगवान राम के चरित्र को आपने सुना होगा तो भगवान राम को बहुत छोटी अवस्था में ही, युवा अवस्था में ही वहाँ पर ऋषि विश्वामित्र जी ले गए और उनको वहाँ पर शिक्षा दी, उनको आश्रम में रखा। इसका कोई कहीं मतलब नहीं है कि वहाँ पर धर्म और राजनीति या वहाँ पर राज्य और धर्म से कोई संबंध नहीं है। जो यहाँ आते हैं, अब वो आते हैं जो लोग, उनकी अपनी आस्था हो सकती है, लेकिन कभी भी आश्रम किसी पार्टी से कोई भी यहाँ आता है, आज आपने देखा होगा यहाँ पर कांग्रेस के भी लोग थे, बीजेपी के तो थे ही थे, और भी दूसरे लोग भी यहाँ पर, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल हिंदू आते हैं या वो पार्टी को मानने वाले आते हैं। लेकिन आपके इस मंच के जरिए फडणवीस को ये कहा गया था अगले चुनाव में फडणवीस ये होना चाहिए महाराष्ट्र का। ऐसा है कि देखो पार्टी को वक्तव्य मैंने नहीं कहा, आपके मंच पे जिसने मैंने कहा, देखो इस भारत के सभी लोग स्वतंत्र हैं। कल की एक घटना है, दो दिन पहले की, तेलंगाना के हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जो एक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ बात कही थी कि हमको 15 मिनट की छूट दी जाए, पुलिस को हटाया जाए, और उस बात को उन्होंने कहा कि ये प्रमाणिक नहीं हुआ है, तो आप किस बात को मानेंगे? मुझे तो आश्चर्य होता है, आप जैसे पत्रकारों का भी जो प्रश्न होता है वो भी मुझे आश्चर्य में डालता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, देश को दिशा क्या देना चाहते हैं आप? तो देश को दिशा एक दिशा दीजिए, मैं आप स्वतंत्र रूप से इस देश की देश में पत्रकारिता कीजिए, विश्लेषण लाइए और ये देश सुखी हो, समृद्ध हो, हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ और ऐसा कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। हमें भी सूचना मिली कि ऐसा ऐसा महाराज जी को, महामंडलेश्वर जी को माँ वैष्णो देवी साइन बोर्ड ट्रस्ट का सदस्य चयन किया गया है, तो महाराज जी का सम्मान पूर्व मुख्यमंत्री जी करेंगे और साथ में कुछ संतों का भी करेंगे। तो ले हम चाहते हैं कि अयोध्या से आपका नेतृत्व हो तो बहुत अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र के सभी भक्त लोग बहुत प्रभु राम प्रेमी हैं, कथा प्रेमी हैं, अर्थ नगरी के साथ में ये धर्म नगरी है, क्योंकि कलयुग अर्थ युग है और कहीं ना कहीं धर्म का भी कार्य अर्थ से ही किया जाता है।
इसलिए महाराष्ट्र और मुंबई की धरती भक्ति भूमि है, तो सर्वापेक्षा पूरे देश में महाराष्ट्र के लोग जैसे कार सेवा में सबसे बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे, वैसे प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्मित होगा उसमें भी सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। तो आपसे इस कार्यक्रम के जो संयोजन के जो टीम के साथ आचार्य पवन त्रिपाठी जी, पवन मिश्रा जी, के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने बहुत मेहनत किया इस कार्यक्रम के लिए? दोनों युवा जो है समाज सेवी हैं और नेता हैं, ऐसे युवाओं की बहुत ज़रूरत है और ये दोनों बड़े कर्मनिष्ठ होकर के निस्वार्थ निष्काम भाव से लोगों के हृदय में बैठे हैं और ऐसे शुभ कार्य कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आचार्य श्री पवन त्रिपाठी जी एवं प्रमोद मिश्रा जी दोनों युवा नेता हैं, बहुत ही समाज सेवी हैं और इन दोनों के आग्रह पर, प्रेम पर हमें भी यहाँ आना हुआ। दोनों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना है कि और इसी प्रकार समाज सेवा करें और आगे बढ़ते रहें, ही मंगल कामना है। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ इस आश्रम में आए हुए सभी सन्यासी और सभी गुरुदेवों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आज यहाँ पे मुंबई में जिस प्रकार से एक कार्यक्रम रखा गया और एक पूरे मुंबई में एक भक्त का माहौल और एक जो है बहुत ही अच्छा माहौल बना। देवेंद्र फडणवीस जी आए यहाँ पे और अलग अलग पूरे देश से साधु संत यहाँ पे उपस्थित हुए। पार्टी के द्वारा मतलब नहीं था ये, हम लोग ने कुछ लोगों ने मिल के रखा था, लेकिन बहुत ही अच्छा मैसेज गया। आज तक कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था जिसमें किसी पूर्व मुख्यमंत्री या किसी प्रमुख व्यक्ति को बुला के इसे संतों के बीच में बैठाया जाए और उनका आशीर्वाद मिले। और मैं श्री विश्वेश्वरानंद महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो माँ देवी वैष्णो देवी के वहाँ पे ट्रस्टी बनाए गए हैं और हम लोगों का जब भी कभी जाना होगा तो उनका कम से कम आशीर्वाद मिलेगा, वहाँ अच्छे से दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। इसीलिए तो बनाए गए हैं ना कि जो मुंबई से जाएंगे उनका उस सेवा करेंगे, यहाँ से एक ऑफिस यहाँ भी कुछ बनेंगी, वहाँ से लेटर वगैरह लेके आप जा सकते हैं दर्शन के लिए। इसीलिए और हम अपने गुरु जी आदरणीय श्री श्रीधराचार्य जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम और नमन करता हूँ कि एक छोटे से आग्रह पे, निवेदन पे आप यहाँ पे आएँ और बहुत ही दिव्य माहौल बनाएं। जिस प्रकार से आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ इसमें गुरु जी का जो के मुखारबिंद से आज शब्द निकले जय श्री राम के नारे में तब्दील हुए और यहाँ पे लोग बहुत ही खुश हुए और गुरु जी को बहुत बहुत बधाई और गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए धन्यवाद।